हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। दोस्तों, कल एक न्यूज आई थी कि हमारी जो नीट में इस सत्र में सेंट्रल कोटे में ओबीसी का आरक्षण है वो 27% कर दिया गया है, और जो हमारी ईडब्ल्यूएस के भाई बहन है उन्हें 10% दे दिया गया है। तो ये सीधा लाभ मिला है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे आज के दैनिक भास्कर में भी इसका पूरा विश्लेषण आया हुआ है। जैसे कि मैं बात करूँ कि ग्वालियर शुक्रवार 30 जुलाई 2021 का एडिशन है ये दैनिक भास्कर, और इसमें लिखा है कि जो हमारे नीट में इस सत्र में सेंट्रल कोटे में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ओबीसी व गरीब सवर्ण के राज्यों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल का कोटा, एमबीबीएस कोर्स में ओबीसी के 1713 और पीजी कोर्स में 2500 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो जो आप एमबीबीएस में या नीट में जो एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए, उनके लिए ये सीधा बेनिफिट जो है केंद्र सरकार ने दे दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल सीधा बहुत भाइयों ने कमेंट किया कि सर, हमारी जो शिक्षक भर्ती है क्या उस पर इसका असर होगा? दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो डिमांड हुई है वो हुई है डॉक्टर्स की, और हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है जिसमें विभिन्न कार्य होते हैं उस स्टाफ की, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली जो भर्ती यानी कि जो नियुक्ति देने का काम किया जा रहा है, और हाई कोर्ट से भी दिशा निर्देश जारी करवा लिए गए, वो हमारे मेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए करा लिए गए, और उनकी जो है अंतिम जो लिस्ट होती है, जो नियुक्ति लिस्ट हम कहते हैं, वो भी जारी करा ली गई, और बहुत जल्दी उनकी जो ज्वाइनिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो आपके हॉस्पिटल स्टाफ है उसकी सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड है मेडिकल स्टाफ की दोस्तों, क्योंकि कोरोना काल में डॉक्टर्स और उनसे जुड़े जो स्टाफ होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड आई है सामने। तो जो भी वैकेंसी हैं उन्हें सबसे पहले यहाँ पर फिलअप करने की जो है कोशिश की जा रही है। तो हम जब बात करते हैं आपके एमबीबीएस कोर्स में, तो जो भी रिजर्वेशन है यहाँ पर लागू किया गया है एडमिशन के रूप में, कि जो हमारे भाई बहन है ओबीसी भाई बहन है उन्हें 27% का लाभ मिले, जो हमारे सवर्ण भाई बहन है जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें 10% का ईडब्ल्यूएस का लाभ मिले। अब हमारा जो केस है वो हाई कोर्ट में पहले से ही चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर कैबियट दायर पहले ही कर दी है ना? तो उस हिसाब से दोस्तों, तो हमारा जो 10 तारीख है उस समय क्या निर्णय आता है, और जो हमारे डीपीआई है वो इस संबंध में ये आदेश निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है उसी तरह का हमें भी आदेश मिल जाए, तो हम जो है शिक्षक की भर्ती कंप्लीट कर सकें उस हिसाब से। और यदि फैसला आ जाता है जैसे, तो फिर 100% सीटों पर ही भर्ती होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने यही कहा कि जब तक हम आपका अंतिम फैसला जारी नहीं कर देते आप जो है और सीटों के हिसाब से जो है भर्ती कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मांग यही है, और ओबीसी भाई बहनों ने भी आपको मालूम है कि भोपाल में यही मांग की थी कि 100% सीटों पर ही भर्ती करें आप, जो सीटें होल्ड की जा रही हैं वो न करके पूरी 100% सीटों पर भर्ती की जाए। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर हमें जो है हाईकोर्ट के 10 अगस्त जो भी सुनवाई है उस तक वेट करना पड़ेगा कि उस दिन कौन सा अपडेट निकल के आता है। लेकिन हाँ, ये है कि केंद्र सरकार में जो आपके नीट है और एमबीबीएस कोर्स हैं उसमें जो है बिल्कुल लाभ दे दिया गया है, और ये केंद्र सरकार की आरक्षण की जो योजना है उसके तहत लागू किया गया है। दोनों ही रिजर्वेशन हैं, जो हमारे ओबीसी भाई बहन हैं उन्हें 27% का, और जो हमारे सवर्ण भाई बहन हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें 10% का यहाँ पर लाभ दे दिया गया है दोस्तों। तो हमारी जो शिक्षक भर्ती है उसका केस चल रहा है, और उस पर क्या अपडेट निकल के आता है उसी हिसाब से जो है आगे की होगी। और डीपीआई ने यही कहा है कि हम 10 तारीख को अपना एक पक्ष और रखने वाले हैं, और जो उन्होंने आश्वासन दिया है वो 10 से 15 तारीख के बीच का दिया है दोस्तों। ठीक है ना? फिर उसके बाद तो मैं आपके पास काफी वीडियो ले ही आया हूं कि 15 के बाद तो बहुत से भाई बहन जो हैं फिर मांग करेंगे ही करेंगे कि अब हमारी जो है नियुक्ति कर दी जाए दोस्तों। तो ये अपडेट था जो कि आप बार बार कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे दोस्तों, और इससे जुड़ी कोई भी और अपडेट आएगी या आपको कोई भी जो है समझ में ना आया हो बात, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा, और कोई भी अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।